नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। कांग्रेस को लेकर अभी तक तमाम जो पार्टियां हैं वो ये कह रही थी कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस कंपटीशन नहीं है, कांग्रेस का देश से सफाया हो रहा है। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए उसने सभी पार्टियों की बोलती बंद कर दी है। जी हाँ, 224 सीटों में से 135 सीटें कांग्रेस के कब्जे में गई है। तो वहीं जब चुनाव के नतीजे आए तो भाजपा कार्यालय पर कहीं ना कहीं एक शांति देखने को मिली, शांतिपूर्ण माहौल था। क्योंकि इस चुनाव के नतीजे जब आए तो उसने भाजपा को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि हमने कर्नाटक चुनाव के दौरान देखा था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभाओं को संबोधित करते आए, ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए और एक 35 किलोमीटर लंबा रोड शो तक किया जनता को साधने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो कल नतीजे आए उसमें भाजपा को 39 सीटों का नुकसान हुआ है। और इस नतीजों को कहीं ना कहीं ये भी माना जाए कि जो कर्नाटक की जनता है उसने अपना 35 साल पुराना रिकॉर्ड भी कायम कर रखा है कि जो एक बार सरकार में होता है वो अगली बार विपक्ष में होता है। जी हाँ, अभी तक वहां पर भाजपा की सरकार थी, लेकिन अब जब कल नतीजे आए तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कर्नाटक चुनाव भाजपा के लिए काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि कर्नाटक को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये कहा जाता है कि बाकी दक्षिणी राज्यों में घुसने का एक यही रास्ता होता है। लेकिन यहाँ पे भाजपा की एक बुरी हार हुई है और आगामी कुछ दिनों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान और एमपी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उन सभी से अहम ये है कि अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इन सभी चुनावों को एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए हैं उसने भाजपा को हैरान परेशान कर दिया है, क्योंकि तमाम जोर आजमाइश के बावजूद भी, तमाम दिग्गज नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने के बावजूद भी वहां पीएम मोदी का मैजिक नहीं चल सका। और अब जनता कहीं ना कहीं दबी आवाज में ये भी कह रही है कि क्या पीएम मोदी का मैजिक कम हो रहा है? क्या 2024 के चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को उम्मीद है क्या वो नतीजे आएंगे? क्योंकि कर्नाटक में भाजपा को उम्मीद थी कि एक बार वो फिर से 35 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे भाजपा की सोच के एकदम ही विपरीत आए। अब 2024 का चुनाव है और ये हार से भाजपा क्या सीख लेती है, आगे क्या कुछ रणनीति होती है आगामी चुनाव के लिए और क्या कुछ तैयारी भाजपा द्वारा की जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है।